स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। टुडे इज माय टॉपिक लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। आप खुद के बॉडी की देखभाल कैसे करोगे, ये हमारा लेसन थर्ड है। सेकंड में हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, अब है लेसन थर्ड जिसमें बॉडी पार्ट्स जैसे आईज, नोज, ईयर्स, सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, जिनको भी मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमें चारों तरफ बताते हैं किसी से, साइट से या किसी चीज को महसूस करना, फील करना, ये सब कौन बताता है हमें, सेंस ऑर्गन्स बताते हैं। अब हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट होता है, जिससे इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करोगे। सो हाउ डू वी कीप अवर बॉडी क्लीन, हम हमारी बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसे फर्स्ट है ब्रश टीथ 2 times a day। हमें हमारे टीथ जो होते हैं एक दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए, 2 बार उनको ब्रश करना चाहिए। एक तो अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, तब उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, उठने के बाद आपने ब्रश टीथ जो है वो ब्रश करनी चाहिए। सो ब्रश टीथ 2 times a day। और एक खाना खाने के बाद जब आपको ये रहता है कि नाइट में मुझे सोना है, तो उससे पहले आप टीथ को क्लीन करोगे ताकि आपके टीथ के अंदर कीटाणु ना जाए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। सेकंड है टेक ए बाथ एवरीडे, रोज नहाना चाहिए। अगर आप एक दिन छोड़ कर भी ऐसे मन हो जाते कि आज नहीं नहाना है, कल नहा लेंगे, तो बेटा अगर रोज नहीं नहाओगे तो बीमार होगे, और उतना ही आप जितना बीमार होगे तो आपकी हर चीज़ में मतलब वीकनेस आएगी, बॉडी वीक होगी, प्रॉब्लम होगी। तो रोज नहाना चाहिए, टेक ए बाथ एवरी डे। थर्ड पॉइंट है कॉम हेयर, बालों को कंघी करना, तो ये भी करके हम अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, गंदे खराब कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो यू लुकिंग स्मार्ट एंड गुड, और अगर खराब कपड़े पहनोगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। तो ये पॉइंट भी, इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी को क्लीन रख सकते हो कि गंदे कपड़े पहनोगे तो कीटाणु जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कट नेल्स, अपने नेल्स जो है वो वीकली आपको कट करने चाहिए। अगर जितने बढ़ेंगे तो आप खाना खाओगे, जैसे खाना खाओगे आपके अंदर की साइड बॉडी के अंदर जाएंगे, स्टमक मतलब बॉडी शरीर के अंदर आपके कीटाणु चले जाएंगे। अगर जैसे ही नेल्स बड़े होंगे तो उसके अंदर क्या चला जाता है, कीटाणु चला जाता है, और अगर पेट में अगर गए तो क्या होगे, बीमार हो जाओगे। एंड लास्ट टॉपिक है वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, ये मैन होता है क्योंकि आप खाना खाने से पहले आपको वॉश आपके हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए, और खाना खाने के बाद अपने हैंड को जो है वॉश करने चाहिए, माउथ हैंड इनको वॉश करना चाहिए, खाना खाने से पहले भी करना चाहिए, खाना खाने के बाद भी करना चाहिए। तो ये कुछ गुड पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, बॉडी जो हमारा शरीर है वो क्लीन होगा, हम डिजीज से बीमारियों से दूर रहेंगे। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ इन टॉपिक्स को, जैसे फर्स्ट है ब्रश टी, तो मैं दोबारा ये पॉइंट जो है वो क्लियर कर रही हूँ आपको, जिससे आप अपने अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हो और स्टे हेल्दी एंड फिट अच्छे से रह सकते हो, ताकि आप डिजीज से दूर रहो, बीमारियों से दूर रहो। सो फर्स्ट पॉइंट दोबारा क्लियर कर रही हूँ, ब्रश टीथ 2 times a day, अपने जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, उनको दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। टेक ए बाथ एवरी डे, रोज नहाना चाहिए। रोज और थर्ड टॉपिक पॉइंट इज कॉम हेयर, बालों को कंघी करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए, ये क्या है, ये सारी गुड पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, मैले या गंदे कपड़े हमें वियर नहीं करना चाहिए, पहनने नहीं चाहिए। कट नेल्स, अपने नेल्स को है जो वीकली कट करते रहना चाहिए, ताकि खाना खाए तो अपने शरीर के अंदर कीटाणु ना जाए। एंड लास्ट है वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, तो खाना खाने से पहले हाथ ना मुंह और हाथ को धोना चाहिए, एंड खाना खाने के बाद भी धोना हैंड वॉश करना चाहिए आपको। तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं, जिससे आप अपनी बॉडी क्लीन रख सकते हो, अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हो। तो आपको ये पॉइंट बता दिए मैंने, अभी से रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको दूंगी। थैंक यू।